तो हमने क्या करा, यहाँ पे बॉर्डर लगा दी। ठीक है, बॉर्डर कैसे लगाई समझ में आया ना? कैसे लगाई मैंने बॉर्डर? मैंने एक क्या नाम है, हेडिंग ली। हेडिंग के बाद मैंने यहाँ पे आफ्टर लगाया, और मैंने आफ्टर लगा के डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, तो ये हमारी गोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ कंटेंट डाल दिया। सर कंटेंट डालने के लिए क्या लिखते हैं आप? यहाँ मैं लॉरम लिखता हूँ, एंटर मारूंगा, अपने आप कंटेंट आ गया, डमी कंटेंट है ये। अब मुझे एक और हेडिंग चाहिए। हेडिंग में देखो अपने आप आ गई, मतलब जितनी भी हेडिंग लगाओगे अपने आप वो ले जाओगे, क्योंकि हमने सीएसएस में लगा रखा है ना। तो जितनी हेडिंग लगाओगे अपने आप बॉर्डर बॉर्डर अपने आप आ गई। तो देखो मैं दोबारा से बस हेडिंग दी है, अपने आप ही वो क्या हो जाएगी, बॉर्डर हो जाएगी। ठीक है, तो कोई कोई वेबसाइट होती है जैसे नीचे बॉर्डर लगी होती है, लाइन लगी होती हाँ, है। इसका नाम चेंज करना चाहिए। हाँ, लाइन लाइन चेंज कर ले। आगे ना समझ में, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर किस काम आती है, जैसे सर ये आप देखिए कंटेंट जैसे लिखे हैं, हाय कंटेंट लिखे हैं ज्यादा बिखरा हुआ दिख रहा है, इसको एक मीडियम में मतलब थोड़ा अच्छा दिखने में करना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं खुद कुछ कंटेंट और लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये तिरछा जा रहा है। अगर आपको ये फुट फिट करना होता है तो आप क्या करोगे, इसकी सीएसएस दे दोगे। यहाँ लिख दिया मैंने पी टेस्ट अलाइन जस्टिफाई। परफेक्ट हो जाएगा, समझ में। ये चीज हो गई हमारे पास, ये हमने अलग अलग वो डाल दिया। तो बॉर्डर लगानी आपको आ गई, किस तरीके से लगानी है। अब आते हैं लिस्ट के आगे आइकन लगाने होते हैं। अगर नहीं, नहीं मैं यहाँ पे ना क्या कर रहा हूँ, एक यूएल बना रहा हूँ, एक एलआई बना रहा हूँ। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्राफिक डिजाइन, यहाँ लिखा मैंने वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, यूआई डिजाइन, ये सब सेट कर दिया। कुछ भी डाल दिया मेरे पास ऐसे आ रहा है। मुझे ना आगे ना राइट का आइकन चाहिए। तो अगर आपको आइकन चाहिए होता है तो उसके लिए साइट है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन यहाँ पे जाना है, यहाँ आपको आइकन मिल जाएगा। मुझे ना राइट के साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट लिख देता हूँ। ये आइकन चाहिए मुझे सबसे आगे, इस पे क्लिक करना। यहाँ से ना आप इस पे पीएनजी पे क्लिक कर देना। तो यहाँ से हमारा ये आइकन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। हाँ, हाइट भी देना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ से हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ऐसे डाउनलोड के उसका कोई दूसरा उपाय मतलब कि हाइड विद इन जैसे गुड स्टेप में हां बैक करिए तो अपना हाइड विद लेके नहीं, इसमें डिफाइन करना पड़ता है। अब मुझे क्या करना है, ये आइकन ना उसके आगे लगाना है, लेफ्ट आइकन आगे। इसको वैसे सेट करिए। एक साइड ये हो गई, एक और है आइकन के लिए, उसका नाम है आप गूगल आइकन 8। आइकन 8 किसके आइकन चाहिए, ये रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सारे आइकन ले रखे हैं, तो मैं यहाँ ये आइकन क्या साइज में चाहिए वो भी आ जाएगा यहाँ पे डाउनलोड कर। अभी आइकन मुझे ना हर लिस्ट के आगे लगाने हैं। तो मैंने कंट्रोल एक्स किया, हमारी फाइल का है यहाँ पे। पिक्चर में रखा हुआ है, यहाँ मैंने
ऐसे लगा दिया आगे समझ में। अब मुझे क्या करना है, इसमें प्रिंट कराना है, इसमें कॉल करानी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, आइकन के नाम से डाल दिया, और अपन क्या करेंगे यहाँ लगाना है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिखेगा क्या है, ULLI के बिफोर, और हाँ कंटेंट URL और नाम भी ऐसे हाँ। ये देखिए आइकन आ गया, इस तरीके से आइकन लगाने का ये तरीका है, इस तरीके से आइकन लगा सकते हैं आगे। इसका एक काम करते हैं, इसकी बुलेट हटाते हैं पहले का। तो बुलेट हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल लाएंगे, बुलेट रिमूव हो गई, बुलेट को हटाने के लिए ULLI लिस्ट स्टाइल नन, ये हमारी क्या हो गई इस तरीके से। आगे समझ में ठीक है, तो आप इस तरीके से वैसे आएंगे सर, ये जो दिया जा रहा है हाँ, इसमें हम अगर कुछ दे रहे हैं तो उस कंटेंट में वर्क नहीं करेगा, जैसे हम लोग दिए टाइटल लिस्ट स्टाइल हाँ, तो इसके आगे जो लगेगा सिर्फ उसी पे वर्क करेगा राइट, जो उसके आगे आइकन लगा फोटो लगा ऐसे उसी को वर्क करेगा राइट। सर इसका देखिए अभी तुझे क्या लगाना है इसके अंदर, पहले बिफोर आफ्टर करके तुझे बॉर्डर लगानी है, ये वाली बॉर्डर वो ओवर जाने पे आसान होती है हाँ। अच्छा तो एक काम कर, उसमें उसकी विड्थ बढ़ा दो पहले, यूएल की विड्थ बढ़ा दो हाँ, और ऐसे टेक्स्ट लाइंस अंदर मान के यूएल की विड्थ बढ़ा दे बस। तो जैसे जिसपे नन किया था तुमने इस वाली को ओके, आता है सही है ना, एक चीज और कम से चौड़ा पतले में इतने इतने सेंटर में आ जाए फिर अच्छा हाँ, वो ना डिफॉल्ट ना स्पेसिंग लेके चलता है, डिफॉल्ट स्पेसिंग लेके चलता है। तो यहाँ पे तो है ना क्या नहीं कहाँ चीज इसकी, ये देखा था तुमने मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो बॉक्स आई थी थोड़ा ऐसा बॉक्स, तुमने यू कहीं पे मार्जिन दिया होगा वैसे लिखा है वो ना कहीं मार्जिन दिया होगा, चलो तो कोई बात नहीं, फिर ये क्या लिखा हुआ था कि ये गलत है अकाउंट लेट ठीक है। एक ये चीज देखिए ठीक कर फिर है ना, यहाँ पे स्कूलर क्यों आ रहा है पीछे, ठीक है स्कूलर कभी नहीं आ रहा स्क्रीन में, बैठ खड़ी हुई भागेगी स्कूलर, इसकी तो ना किसी की इसकी ना विड्थ बढ़ा रखी, किसी की इमेज की विड्थ बढ़ा रखी, कम कर दो, फिर मैं नहीं आ रहा स्कूलर।